हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आइए सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी सपोर्ट में। आज हम बताने वाले हैं CRCS रिफंड पोर्टल 2023 सारा के जमाकर्ताओं को उनका पैसा कब तक वापस मिलेगा, इसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस बार सरकार ने सहारा के निवेशकों को भरोसा दिया था कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको सबको बता दूं कि सहारा में लोगों का पैसा और मिलने लगा है। सारा इंडिया में लोगों का फंसा वैसे निवेशकों के मन में यह आता है कि मेरा सहारा में फंसा पैसा कब तक मिल जाएगा। यह निवेशकों के लिए बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा के न्यूज को एक बड़ी राहत दी है। निवेशकों को 10,000 तक के तत्काल रिफंड प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड कल की शुरुआती 18 जुलाई को देखकर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह कॉर्पोरेटिव मेजा मार्ग रोरू का पैसा 45 दिन में वापस दिया जा रहा है। सहारा की सहकारिता समिति में जिन युवकों ने पैसा जमा किया था, वह सोचते थे कि और मेरा पैसा अब हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन लोगों का पैसा कई सालों से जमा था और सरकार ने कोई अपडेट नहीं दिया। लेकिन वहाँ पे अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया और साथ ही इसे एक ऐतिहासिक थोड़े बताए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है सहकारी मंत्री पैसा लौटाने की प्रक्रिया को शुरुआत कर दिया गया था। आपको सबको बता दूं कि सहारा में सभी जमाकर्ता आप सहारा में फंसा पैसा वापस अपने खाते में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम सहारा का पैसा खाते में मंगाने के लिए आपको सब इस वीडियो में शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, तभी आप जान पाएंगे कि पैसा कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सहारा से भी रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपए सहकारिता समिति के केंद्रीय पंजीकृत CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने 29 मार्च 2023 को कहा था कि चारों सहकारिता समिति के 10 करोड़ निवेशकों का पैसा 9 महीने के भीतर लौटा दिया जाएगा। तो आप सबको सबसे पहले CRC सेंटर पर जाना होगा और ऑनलाइन रजिस्टर करके अपना पैसा वापस ला सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।